हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक हेडिंग अपनी हेड प्रोसीजर में था, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। इसकी आईपीसी नेमिंग और आइसोमेरिज्म आप लोगों से डिस्कस कर चुका था। एक बार थोड़ा सा जस्ट आपको पीछे वाली क्लास से कनेक्ट करने के लिए, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन में फिलहाल अपन प्रेजेंट टाइम में अभी डिस्कस करेंगे एलिफेटिक कंपाउंड्स को, मीन्स एल्किल एल्कोहल को। अभी अपन एलिफेटिक एल्कोहल को डिस्कस कर रहे हैं, और एलिफेटिक एल्कोहल मीन्स हाइड्रोक्सी ग्रुप इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू sp3 कार्बन। हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो डायरेक्टली एक sp3 कार्बन पे बॉन्डेड होगा। जनरल फॉर्मूला इसका, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स हैं, एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+1 डेरिवेटिव है, एक हाइड्रोजन कम किया आपने और उस एक हाइड्रोजन की जगह आपने OH हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड कर दिया था। देन CnH2n+2O ये भी फॉर्मूला हो सकता है, एल्किल एल्कोहल है। आईपीसी नेमिंग भी आपने देखा होगा, पीछे वाली क्लास में मैंने आपको बताया था एल्केनोल, इसका आईपीसी नेम होगा ओल एज ए सफिक्स इसमें यूज किया जाएगा। इन एलिफेटिक एल्कोहल को जिनमें हाइड्रोक्सी ग्रुप sp3 कार्बन से बॉन्डेड होता है, उनको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, उनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन को भी अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। टोटल इसमें चार या पांच जो भी, उनमें बहुत शानदार मेथड अभी अपन डिस्कस करेंगे। एक मेथड ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन, आइसोमेरिज्म हो चुका है, नेमिंग हो चुकी है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन फर्स्ट हो गया इसमें अपने पास फ्रॉम एल्किल हैलाइड से इसको प्रिपेयर करेंगे आप। एल्किल हैलाइड मींस जनरली से पीछे वाला जो चैप्टर आपने पढ़ा था, हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, RX को एक्वस QH के साथ आप रिएक्ट करवा रहे हो, याद होगा। एल्किल हैलाइड एक्वस QH के साथ भी रिएक्ट करता है और एल्किल हैलाइड एल्कोहलिक QH के साथ भी रिएक्ट करता है। दोनों में नेचर ऑफ रिएक्शन और फॉर्म प्रोडक्ट क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। एक्वस QH में सब्स्टिट्यूशन होगा और एल्कोहलिक QH में एलिमिनेशन होता है। एक्वस QH में एलिमिनेशन होकर मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्किन। बट इन केस ऑफ एक्वस QH एल्किल हैलाइड क्या देगा, सब्स्टिट्यूट कंपाउंड बनाएगा SN1 और SN2 के थ्रू। तो अभी हमने यहां पे एक्वस QH लिया है, सब्स्टिट्यूशन होगा, सिंपली KX रिलीज हो गया और प्रोडक्ट बना यहां पे आपके पास ROH, कॉरस्पॉन्डिंग एल्कोहल बनेगा। कॉरस्पॉन्डिंग मीन्स नंबर ऑफ कार्बन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या रहने, सेम रहने हैं, सिंपल रिएक्शन है। ये ऑलरेडी आप सिंटेक्स की फॉर्म में पढ़ चुके हो। और अब इस पे पर्टिकुलर एग्जांपल आप देखना चाहो, R का मीनिंग CH3Cl, एक पर्टिकुलर एल्किल हैलाइड आप जब लेना चाह रहे हो, CH3Cl, CH3CH2Br और CH3CH2CH2Cl, ये कुछ, या इसमें पोजीशन बदल लीजिए बेटा आप, CH3 देन CH3Cl, ये कॉरस्पॉन्डिंग कुछ सेलेक्टेड एल्किल हैलाइड है, 1 या 2 या 3 कार्बन तक। इनको रिएक्ट कर रहे हो आप सबको किसके साथ, एक्वस QH के साथ रिएक्ट करवा रहे हो। एक्वस QH के साथ क्या रिएक्शन होगी इनकी, वही सब्स्टिट्यूशन होना है। अब ये सब्स्टिट्यूशन से SN1 मैकेनिज्म होनी है या SN2 होनी है, याद होगा आपको, ये डिपेंड करता है इस पर्टिकुलर एल्किल हैलाइड के नेचर पे। वो टर्शियरी एल्किल हैलाइड होगा तब तो SN1 मैकेनिज्म होगी, और 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है तो SN2 मैकेनिज्म होगी, और 2 डिग्री में दोनों टाइप की हो सकती है, 1 डिग्री भी और 2 डिग्री भी। सिंपल सब्स्टिट्यूशन आप करो, जिस पर्टिकुलर कार्बन पे हेलोजन है उस पर्टिकुलर कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप के वजह से क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, और यहां पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, पहले केस में मेथिल क्लोराइड के केस में मिथेनॉल, एथिल के केस में इथेनॉल, 1 क्लोरो है ये, नेमिंग ध्यान आपको, 1 क्लोरोप्रोपेन से बनेगा 1 प्रोपेनॉल या नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल, और 2 के केस में क्या बनेगा, ये आपको मैं नेमिंग में ऑलरेडी करवा चुका, फिर दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। ये आपके पास कॉमन सिस्टम है मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल, और लास्ट हो गया अपने पास आइसो प्रोपिल एल्कोहल।
ठीक, ये तो हो गया कॉमन नेमिंग। आईपीसी नेमिंग में बात करें अपन, मिथेनॉल, ये हो गया अपने पास इथेनॉल, ये हो गया वन प्रोपेनॉल। वन क्या है बेटा, वन इस हाइड्रोक्सी की पोजीशन है, क्योंकि आपको पता दो से ज्यादा कार्बन होते हैं, हमें नंबरिंग करनी पड़ती है, चेन को सेलेक्ट करना पड़ता है, इस केस में भी नंबरिंग होगी, चेन सिलेक्शन होगा। ये हो गया आपके पास टू प्रोपेनॉल। ठीक स्टूडेंट्स, ये पहली रिएक्शन है, हाउ टू फॉर्म एल्किल एल्कोहल और एल्केनॉल बाय द एल्किल हैलाइड ऑन रिएक्ट विद एक्वस क्यूएच। एग्जाम्पल क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का है ये। कोई डाउट, ये सिलेबस में सेकंड टाइम रिपीट हुई है, इससे पहले भी चैप्टर 10 हेलोजन डेरिवेटिव्स में ये रिएक्शन रिपीट हो चुकी है आपके पास। उससे नेक्स्ट जो पार्ट है अपने पास वो है सेकंड, फ्रॉम एल्किल एल्कोहल। बहुत ही अच्छी रिएक्शन था आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन, कंफर्म मान के चलिए आप मेथड ऑफ प्रिपरेशन में से एल्कोहल की यदि कोई हेडिंग आती है मेथड ऑफ प्रिपरेशन में से, तो ये पॉइंट डेफिनेट आएगा, और वो है फ्रॉम एल्किन। एल्किन से भी आपको क्या करना है, एल्कोहल बनाना है। इसके लिए दो प्रोसीजर हमारे सिलेबस में है, पहला है बाय हाइड्रेशन और सेकेंड है बाय हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रेशन और हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रेशन एडिशन ऑफ वॉटर, हाइड्रोबोरेशन ऑन रिएक्शन विद डाइबोरेन, रिएक्शन विद डाइबोरेन B2H6, और हाइड्रेशन रिएक्शन विद वॉटर। सेकेंड पॉइंट, हाइड्रेशन और हाइड्रोबोरेशन, जनरली एल्किन में आपने पढ़ा है कि एक तो मार्कोनिको प्रोडक्ट बनते हैं एडिशन रिएक्शन से थ्रू, और एक ऑपोजिट टू मार्कोनिको एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट बनते हैं। तो यहां जो हाइड्रेशन जो प्रोसीजर है वो किस टाइप के अल्कोहल प्रोड्यूस करेंगे, मार्कोनिको रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाएंगे। यहां क्या बनेगा, एंटी मार्कोनिको रूल से प्रोडक्ट बनेंगे। स्टूडेंट्स, आपको जैसे ही एंटी मार्कोनिको एडिशन यानी ऑपोजिट टू मार्कोनिको जब एडिशन करना होता है, तो हो सकता है कि आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, सर क्यों ना यहां प्रोक्साइड इफेक्ट अप्लाई किया जाए। तो मैं क्लियर करना चाहूंगा यहां पे कि प्रोक्साइड इफेक्ट है वो यहां पे अप्लाई नहीं होता है। पढ़ाया आपको सिलेबस में है, 11th में भी था और 12th में भी हमने पढ़ाया, बट प्रोक्साइड इफेक्ट इज अप्लीकेबल ओनली विद HBr। यह आपकी 11th की NCERT में एक लाइन लिखी हुई थी, आपने पढ़ी हो प्रोक्साइड इफेक्ट चैप्टर 13 में। तो ये जो प्रोक्साइड इफेक्ट की प्रोक्साइड की प्रेजेंस में जब अपन एडिशन करते हैं तो रिएक्शन जो होती है या जो एडिशन जो होता है वो मार्कोनिकोव के ऑपोजिट होता है। आपको देना होगा मार्कोनिकोव क्या है, मैं बार बार बोल रहा हूं, याद भी आ रहा होगा आपको, मार्कोनिकोव नेगेटिव पार्ट ऑफ ए पोलर मॉलिक्यूल आर अटैच्ड दैट पर्टिकुलर कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। नेगेटिव पार्ट जो होता है पोलर मॉलिक्यूल का, नेगेटिव पार्ट वो कहां जुड़ता है, उस पर्टिकुलर कार्बन पे ऐड होता है जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होते हैं, कम होते हैं। ये मार्कोनिकोव रूल था, और ये अपन ने इसे लास्ट वाले चैप्टर में भी पढ़ा था और 11th में भी पढ़ा था कि जब आपको उस पर्टिकुलर नेगेटिव पार्ट को इस रूल के ऑपोजिट ऐड करना हो तो हम क्या करते हैं, प्रोक्साइड का यूज करते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि यहां पे प्रोक्साइड केवल किसके साथ अप्लाई होता है, HBr के साथ अप्लाई होता है। ये थोड़ा सा ये बेसिक चीज याद रखिएगा। चलिए अब मैं आता हूं हाइड्रेशन में, मैं वाटर मॉलिक्यूल के साथ ऐड करना है, सिंपल रिएक्शन है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। CH2 डबल बॉन्ड CH2, कुछ सिलेक्टेड एल्केन्स में लिख रहा हूं यहां पे, नेमिंग आपको ध्यान है इन एल्केन्स का, दैट इज इथीन एंड 2-butene। ओके, दोनों बाय नेचर सिमेट्रिक एल्केन्स हैं। देन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन एंड CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3 1-butene। ये दोनों की दोनों एल्किन्स कैसी हैं, एसिमेट्रिक एल्किन है। लॉजिक है इसमें भी सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक दोनों में, वो लॉजिक अभी आपको शायद दोबारा रिफ्रेश कर रहा हूं, मैं नया कुछ नहीं बता रहा हूं।
इलेवंथ के कुछ कंसेप्ट या ट्वेल्थ में इससे पीछे वाले चैप्टर में जो हमने बातें की थी वही बातें आपको दोबारा याद आएंगी। यहाँ पे रिएक्शन करना आपको वाटर मॉलिक्यूल के साथ, वाटर मॉलिक्यूल HOH के साथ इसको रिएक्ट करवा रहे हो आप बेटा, सिंपल रिएक्शन। परजेंस यहां पे डाइल्यूट H2SO4। एक चीज आपको शायद ध्यान रखनी है कि जनरली हमारे सिलेबस में हाइड्रेशन भी है और डिहाइड्रेट, इसी चैप्टर में मैं डिहाइड्रेशन भी डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। तो हाइड्रेशन में जनरली क्या होता है, डाइल्यूट H2SO4 को यूज करना है और डिहाइड्रेशन में कंसंट्रेटेड H2SO4 को यूज करना है। ये डाइल्यूट H2SO4 हो गया यहां पे, ठीक है। रिएक्शन सभी सेम ही होनी है, एक जैसा सिंटेक्स है सबका। एडिशन होनी है यहां पे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होना है। ये आपको ध्यान है, ये 11th के मैकेनिज्म में पढ़ चुके हैं अपन कि एल्किन्स और एल्काइन्स होती हैं, वो जनरली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देती हैं। इस एडिशन में आप देख रहे हो कार्बन कार्बन में जो डबल बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कन्वर्ट होगा किसमें, सिंगल बॉन्ड में, बॉन्ड ब्रेकिंग से। और जहां डबल बॉन्ड था उन दोनों पर्टिकुलर कार्बन के बॉन्ड्स क्या हो गए, फ्री हो गए। मींस एक पाई बॉन्ड टूटेगा और एक पाई बॉन्ड टूटने से क्या बन रहे हैं, दो नए सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन आपको यहां पे दिखानी है। एक पाई बॉन्ड के टूटने से एक दो नए सिग्मा बॉन्ड यहां बनाओगे। ये बॉन्ड फ्री समझ में आया कैसे हो रहा है, ये पाई बॉन्ड तोड़ना जहां जहां डबल बॉन्ड था। लेफ्ट या राइट कार्बन जो भी अवेलेबल है डबल बॉन्ड के, उनका कोई रोल नहीं इसमें, क्योंकि रिएक्शन एडिशन का होना है, डबल बॉन्ड पे ही होना है। डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है, तोड़ भी दिया मैंने। यहां ये जो मॉलिक्यूल आपने लिया है वाटर HOH, ये वाटर यहां पे किस कैटेगरी में है, जो भी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, ये नॉन पोलर नहीं है, पोलर है। पोलर मींस जहां पे पार्शियली पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आता है। जैसे एक नॉन, जैसे Br2 की बात करूं मैं, तो Br सिंगल बॉन्ड Br, इनमें दोनों स्पीसीज सेम है तो नॉन पोलर कहलाएगा। H2 H सिंगल बॉन्ड H नॉन पोलर हो गया, बट यहां ये पोलर है क्योंकि हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है और हाइड्रोक्सी पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज है। पढ़ा आपने वैसा, वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, पोलर नेचर का होता है, ऑलमोस्ट सभी आयनिक और कोवेलेंट कंपाउंड को अपने अंदर डिजोल्व करने में कैपेबल होता है, इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी हाई होती है। चलिए ये पॉइंट हो गया पोलर। जो मार्कोनिकोव रूल है, देखो ये लिखा हुआ मार्कोनिकोव ने क्या बोला, आपको पूरा स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है यहां पे, ना आपको वो शो ऑफ करना है, केवल आपको ये यहां रखना है कि हाँ जब ऐसी कोई रिएक्शन आ रही हो तो उसमें मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग हमें एडिशन करना है। लेकिन प्रेजेंट इन दोनों एल्किन्स के लिए, पहले दो एग्जांपल है ना, इन फर्स्ट टू के लिए तो हमें मार्कोनिकोव की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि मार्कोनिकोव रूल तभी लगता है जब एल्किन कैसी हो, एसिमेट्रिक हो, और मॉलिक्यूल कैसा हो, पोलर हो। दोनों कंडीशन जब मिलेंगी, एसिमेट्रिक एल्किन हो और मॉलिक्यूल कैसा हो, पोलर हो, तभी मार्कोनिकोव रूल लगता है। अब इन पहले दो एग्जांपल में क्या है, मॉलिक्यूल तो पोलर है लेकिन जो एल्किन सबने लिए हैं वो एल्किन्स कैसी हैं, वो नॉन, वो क्या है, सिमेट्रिक है। यानी सिमेट्रिक मींस नंबर ऑफ कार्बन इन बोथ साइड डबल बॉन्ड सेम, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन क्या होते हैं, सेम होते हैं। आप बताइए कौन कहां जुड़ेगा। सपोज आप हाइड्रोजन पहले जोड़ रहे हो और ऑक्सीजन हाइड्रोक्सी बाद में जोड़ रहे हो तो भी इथेनॉल बनना है, इसको अपोजिट करोगे तो भी इथेनॉल बनना है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि पोलर मॉलिक्यूल को जब आप रिएक्ट करवा रहे हो किसके साथ, सिमेट्रिक के साथ, पोलर को जब रिएक्ट करवा रहे हो सिमेट्रिक के साथ, तो किसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, मार्कोनिकोव रूल को अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको ऐड कर दीजिए। नेक्स्ट केस में बताइए बेटा, फिर डबल बॉन्ड है, बॉन्ड तोड़ रखा मैंने एक जगह H, आपने यहां OH जोड़ा, ये हो गया, तो 1-2 ये बना इथेनॉल। क्या इसके में दो ऑप्शन थे क्या, कि OH लेफ्ट में जुड़ता है, OH लेफ्ट में ऐड होगा तो भी इथेनॉल है, OH यहां जुड़ रहा है तो भी ये क्या है, 2-butanol, और ये यहां इस पर्टिकुलर कार्बन पे तो भी 2-butanol। यहां तक कोई नया ऑप्शन नहीं है, आपके पास एक ही ऑप्शन रहता है, एक ही ऑप्शन रहता है, एक ही ऑप्शन रहता है, इसलिए मार्कोनिकोव की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन नीचे वाले जो दो एग्जांपल आप देख पा रहे हो, ये एसिमेट्रिक एल्किन है। एसिमेट्रिक एल्किन मींस नंबर ऑफ कार्बन इन बोथ साइड डबल बॉन्ड आर डिफर, दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है। इस पर्टिकुलर पोजीशन में आप देख रहे हो प्रोपीन और 1-butene में, यहां आपको मार्कोनिकोव चाहिए क्योंकि मॉलिक्यूल पोलर है और उसके साथ जो एल्किन हमने लिया वो एसिमेट्रिक है, तो बॉन्डिंग होगी। क्या बॉन्डिंग होनी है, देखो आपने लिखा हुआ है नेगेटिव पार्ट अटैच्ड ऑन दैट कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अटैचमेंट तो कार्बन 1 और 2 पे तो होना है,
अटैचमेंट कार्बन 1 और 2 पे होना है तो OH कहां जुड़ेगा, जहां पे हाइड्रोजन कम है। OH कहां जुड़ेगा, जहां पे हाइड्रोजन कम है। तो ये हो गया आपके पास, एक ही ऑप्शन हुआ इसमें, क्योंकि मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग अपन दूसरा ऑप्शन तो इसमें बता ही नहीं सकते। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा इस केस में, बनेगा 2-propanol और इस केस में बनेगा 2-butanol। सेम ये मार्कोनिकोव रूल, इसे पीछे वाले चैप्टर में भी मैंने एल्किन की जो रिएक्शंस थी, एल्किन की हेलोजन एसिड्स के साथ रिएक्शन वहां पे डिस्कस किया था, HBr और HCl के साथ रिएक्शन। वहां अपन इन दो रिएक्शन में क्या चाहते हैं, ऑपोजिट अटैचमेंट और ऑपोजिट एडिशन चाहते हैं। इस रिएक्शन से मैं 1-propanol चाहता हूं, क्या पॉसिबल है? हो सकता है कि आपको सर यहां पे परोक्साइड डाल दो, वो चीज मैं आपको पहले क्लियर कर चुका कि यहां पे परोक्साइड अप्लाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप टेक्स्ट बुक पढ़ना 11th में चैप्टर 13th में ये रिएक्शन बड़े डिटेल से समझाई गई है कि परोक्साइड इफेक्ट केवल HBr के साथ मैकेनिज्म के साथ समझाई गई है, तो यहां परोक्साइड इफेक्ट अप्लाई नहीं होगा। तो फिर हमें सपोज ये तो हो गया, इसमें 5 कार्बन 6 कार्बन बढ़ते हुए इससे कोई दिक्कत नहीं है, सेम इसी पैटर्न पे रिएक्शन होती जाएंगे। तो फिर इस दूसरी रिएक्शन की रिक्वायरमेंट क्यों हमें, इस हाइड्रोबोरेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है, हाइड्रोबोरेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि इससे जो एल्किल एल्कोहल बनेगा वो क्या बनेगा, ऑपोजिट टू मार्कोनिको बनेगा। या ठीक है, ऑपोजिट टू मार्कोनिको बनाने के लिए देखो एग्जाम, ध्यान दिया मेरी बात, एग्जाम में या तो डायरेक्ट आएगा हाइड्रोबोरेशन, तो हाइड्रोबोरेशन आपको बताना है। आपके पास एक ऑप्शन और मैं आपको बता रहा हूं, ऑपोजिट टू मार्कोनिको बनाने का एक ऑप्शन और आपके पास, दो स्टेप में वो रिएक्शन है, कन्वर्जन आप याद रखिएगा कि आपको किसी पर्टिकुलर एसिमेट्रिक एल्किन से हाइड्रेशन करना है, क्या सॉरी हाइड्रेशन नहीं करना, क्या करना है, एक ऑपोजिट टू, तो इसमें अपन हाइड्रेशन कर नहीं पाएंगे, हाइड्रोबोरेशन आप बताना नहीं चाह रहे हो, तो आप उसके पास एक ऑप्शन है एडिशनल आपके पास, HBr इन प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड, इस प्रोपीन की रिएक्शन HBr के साथ करवा दीजिए, क्या बनेगा, CH3 CH2 CH3 और Br, क्या बनाए, 2-bromopropene, गलत बोला मैंने ये, क्योंकि यहां पे आपने परोक्साइड नहीं लिया होता तो Br ही जुड़ता, हमने क्या लिया है, परोक्साइड लिया, तो Br का अटैचमेंट कहां होगा, उस पर्टिकुलर कार्बन पे होगा जहां पे हाइड्रोजन एक्सेस में है, ये है परोक्साइड इफेक्ट। परोक्साइड नहीं होता तो एडिशन ही होता HBr के साथ। अब इसको हम क्या करवा दें, एक्वस QH के साथ रिएक्ट करवा देते हैं, एक्वस QH के साथ रिएक्शन में क्या होगा, KBr रिलीज हो जाएगा और CH3 CH2 CH2 OH 1-propanol बन जाएगा। मींस इस पर्टिकुलर रिएक्शन में आपने क्या देखा, बिना हाइड्रोबोरेशन के भी आप ऑपोजिट टू मार्कोनिको प्रोडक्ट बना पाए, ऑपोजिट टू मार्कोनिको प्रोडक्ट बना पाए, ठीक है, को डाउट, ओके स्टूडेंट्स। अब फिर भी हमारे सिलेबस में इसने, ये तो एक अल्टरनेटिव मेथड मैंने बताया आपको, फिर भी हमारे सिलेबस में हाइड्रोबोरेशन है जो ऑपोजिट टू मार्कोनिको देगा, तो उसको तो हमें डिस्कस करना, अभी उसमें क्या रिएक्शन किस टाइप से होनी है, ऑपोजिट टू मार्कोनिकोफ रूल चाहिए तो अपने को हाइड्रोबोरेशन करना है। हाइड्रोबोरेशन में मैंने लिखा जरूर है डाइबोरेन B2H6, बट आप ये देखिए आपको रिएक्शन BH3 से ही करवानी है, ये दिमाग में रखना आपको। एक्चुअल में क्या था, सॉरी B2H6 ये डाइबोरेन है, हाफ B2H6, इसको BH3 के साथ रिएक्ट करवाओगे आप, क्या बनेगा इस केस में, 1 by 1 देखिए, बोरॉन और हाइड्रोजन को जब आप रिएक्ट करवा रहे हो, इसको मैं अभी थोड़ा स्टेप्स में बता रहा हूं, इसको अपन कंप्लीट एक स्टेप में भी करेंगे, कैसे करेंगे पहले थोड़ा समझ लीजिए। ये बॉन्डिंग टूटनी है यहां से, तो आपने देखा दोनों कार्बन फ्री हुए यहां पे हुए हैं, और यहां से जो बोरॉन के 3 हाइड्रोजन है ना, वो तीनों हाइड्रोजन 1 by 1 क्या होंगे, यहां से अलग हुए हैं, ये चला हुआ, इस हाइड्रोजन को उसने बैलेंस किया और बच गया क्या, हाइड्रोजन तो यहां चला गया, CH3 बना गया इससे, ओके ये हाइड्रोजन बोरॉन फ्री हुआ है, वो बोरॉन यहां जुड़ जाएगा BH2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझे यहां तक। नेक्स्ट दोबारा इसको क्या करना है, आपको एक नया मॉलिक्यूल और ऐड कर दीजिए एल्किन का, उसमें फिर बॉन्डिंग टूटनी है,
फिर यहां से हाइड्रोजन निकलना है, ठीक है, वो हाइड्रोजन क्या करेगा, CH3 देन CH2 एंड BH, ये बॉन्ड टूटा ना, ये कहां चला गया, इसका भी एक बॉन्ड फ्री हुआ था, यहां बॉन्ड फ्री होता, एक तो हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड हो गया और एक खुद क्या हो गया, बोरोन से सेटिस्फाइड हो रहा है। मींस बोरोन से क्या हो गया, दो हाइड्रोजन का सब्सटीट्यूशन हुआ और दो नए एल्किन जुड़ गए, एक का सब्सटीट्यूशन हुआ, एक एल्किन जुड़ गया। अब इसमें ऐसे क्या करेंगे, इस बोरोन का एक थर्ड हाइड्रोजन है, वो भी अपन तीसरा मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये हाइड्रोजन फिर ले गए यहां से, ये बॉन्डिंग टूटेगी और फाइनली क्या होना है, 1 by 1 तीनों हाइड्रोजन बोरोन के क्या हो गए, सब्स्टिट्यूट हो गए किसके थ्रू, एल्किन मॉलिक्यूल के थ्रू। इस टाइप से ये 1 by 1 क्या होते हैं, तीन मॉलिक्यूल ऐड होंगे, ये समझ आया आपको, आपको ऐसे नहीं दिखाना रिएक्शन, या आप डायरेक्ट लिखेंगे 3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस हाफ B2H6 देन डायरेक्ट आप ये लिखिए, क्या देख रहे हो, इसमें बोरोन से तीन एल्किल मॉलिक्यूल ऐड हैं, तो क्या बनेगा इसका, CH3 CH2 होल थ्राइस बी, बोरोन से तीन एल्काइल मॉलिक्यूल जुड़ गए, ट्राई एल्किल बोरोन कहलाएगा ये, मींस फिलहाल ये ट्राई एथिल है तो ट्राई एथिल बोरेन, ठीक है, ट्राई एथिल बोरोन हो गया। इस ट्राई एथिल बोरेन का ये जो तीन स्टेप लिखे आपने देखे होंगे 1 by 1, ये एक स्टेप में ऐसे आपको शो करना है, BH3 के साथ रिएक्ट करना आपको, BH3 मींस हाफ B2H6। अब इसका क्या करना है आपको, फर्दर हाइड्रोलाइसिस करना है, हाइड्रोलाइसिस भी आपको किसके साथ करना है, हाइड्रोजन परोक्साइड के साथ करना है, H2O2 के साथ, H2O2 बोले तो H सिंगल बॉन्ड O देन OH, ये है हाइड्रोजन परोक्साइड, इसके भी तीन मोल इसमें इन्वॉल्व होंगे हाइड्रोजन परोक्साइड के भी, और उन तीनों मोल में क्या होगा, ये बॉन्डिंग टूटनी है यहां से, तो आपके पास एक्चुअल में क्या देख रहे हो आप, हाइड्रोजन परोक्साइड की फॉर्म में हाइड्रोक्सी है आपके पास, हाइड्रोजन परोक्साइड की फॉर्म में हाइड्रोक्सी है, और वो हाइड्रोक्सी ये बॉन्डिंग टूट जाएगी यहां से, फ्री कौन हुआ, बोरोन फ्री हुआ, बोरोन के साथ तीन हाइड्रोक्सी अटैच हो गए, ये बोरिक एसिड बन गया H3BO3 या BOH का होल थ्राइस, बोरिक एसिड बन गया। ये जो एल्किन आपने लिखा है CH3CH2 उसके साथ ही OH होगा, कितने हैं ये, थ्री मोल्स हैं, तो थ्री मोल बनेंगे इसमें इथेनॉल के, CH3CH2OH, तीन मोल किसके बन गए, इथेनॉल के बन गए। अब आप कहोगे रिएक्शन साइज समझ में आई आपको, मैं मान के चल रहा हूं, लेकिन एक क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ रहा है, सर इसमें एंटी मार्कोनी को कहां हुआ, इथेन लेंगे, इथेन का जब हाइड्रेशन करवाया था तो भी हमारे पास इथेनॉल बना रहा, भी इथेनॉल बना, तो एंटी मार्कोनी को आप समझने के लिए, एंटी मार्कोनी को आप समझने के लिए हम कहां आना पड़ेगा, हमें एंटी मार्कोनी को आप समझने के लिए हमें कोई एसिमेट्रिक एल्किन लेनी पड़ेगी। देखिए एसिमेट्रिक एल्किन ले रहा हूं मैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 एंड हाफ B2H6, इसके साथ रिएक्ट करवाओगे, क्या होना है, इस पर्टिकुलर बॉन्डिंग में आप देख रहे हो BH3 बोरोन एक नेगेटिव पार्टिकल है, या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में, तो बोरोन एक्चुअल में ऐड कहां होगा, यदि मार्कोनी का रूल है तो बोरोन ऐड होगा जहां पे हाइड्रोजन कम है, बट ऐसा नहीं हो रहा इसमें, विदाउट परोक्साइड इसमें बोरोन का अटैचमेंट उस कार्बन पे होगा जिसपे हाइड्रोजन ज्यादा है, विदाउट परोक्साइड बोरोन का अटैचमेंट उस कार्बन पे होगा जिसमें हाइड्रोजन ज्यादा है, तो इस हाइड्रोजन ज्यादा, तो इसमें इसका मीनिंग क्या हुआ, यहां पे CH3 CH2 CH2 और ये बोरोन टर्मिनल पोजीशन पे चला गया, फिर वो ट्राई प्रोपिल बोरोन बन गया ये। अब यहां पे परोक्साइड नहीं डाला, एक्चुअल में बाय रूल BA नेगेटिव था, B को ऐड होना था यहां पे, लेकिन विदाउट परोक्साइड हाइड्रोबोरोसन में बी एड होगा यहां पे, ये था एंटी मार्कोनिकोव रूल। तो HBr के साथ हमें क्या करना पड़ता है, परोक्साइड अप्लाई करना पड़ता है, बट डाइबोरोन के साथ हमें कोई परोक्साइड अप्लाई नहीं करना पड़ता, रिएक्शन अपने आप क्या होती है, ऑपोजिट टू मार्कोनिकोव प्रोसीड करती है। अब आगे वाला रिएक्शन एज इट, जब बोरोन कहां जुड़ा है, ऑपोजिट टू मार्कोनिकोव अटैच हुआ है, तो उसके हाइड्रोलाइसिस यानी हाइड्रोजन परोक्साइड के जब उसको फर्दर रिएक्ट करवा देंगे अपन, तो होना क्या है, ये हाइड्रोजन परोक्साइड मींस HOH क्या बनना है, थ्री मोल्स बनने किसके, 1 प्रोपेनॉल के। और अभी आपने देखा था क्या,
कि जब मैंने प्रोपीन की रिएक्शन हाइट वाटर के साथ करवाई थी, एचओएच के साथ करवाई थी डाइल्यूट H2SO4 में, तो क्या बना था? ओएच कहां जुड़ा था? तब आपने देखा था ओएच कहां जुड़ा था? बीच वाले कार्बन जुड़ा. क्या बना था? टू प्रोपेनॉल बना था. और यहां क्या बना है? वन प्रोपेनॉल बना. ये बेसिक डिफरेंस है हाइड्रेशन में और हाइड्रोबोरेशन में. और एक बेसिक चीज में बीच में बता क्या है आपको कि विदाउट हाइड्रोबोरेशन भी आप ऑपोजिट टू मार्कोनी को बना सकते हो. क्लियर स्टूडेंट्स? को डाउट हो प्लीज कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा. आप अच्छी मेथड है दोनों की दोनों और बहुत अच्छे से आपको इसको तैयार करनी है. कोई डाउट यहां पे फ्रॉम एल्किन? नेक्स्ट थर्ड अपने पास फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स. कार्बोनिल कंपाउंड्स के थ्रू हम दो टाइप से बना सकते हैं. इसमें भी दो ऑप्शन है. या तो कार्बोनिल कंपाउंड का कैटालिटिक रिडक्शन किया जाए निकल के साथ, प्लेटिनम के साथ, पीडी के साथ हीटिंग किया जाए, सोडियम बोरोन हाइड्राइड डाला जाए. इस तरह से जो रिड्यूसिंग रिएजेंट्स होते हैं कैटालिटिक रिडक्शन बोलते हैं इनको, ये कैटालिटिक रिडक्शन से किया जाए. या फिर इसका डायरेक्ट किया जाए रिएक्शन विद ग्रिगनार रिएजेंट GR RMgX ग्रिगनार रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाया जाए. ये क्या हो बताते हैं अभी. पहले ये देखें आपके लिए, हालांकि पूरा चैप्टर अभी हमने पढ़ना है कार्बोनिल कंपाउंड कंप्लीट डिटेल से पूरा चैप्टर पढ़ना है. तो कार्बोनिल कंपाउंड एक्चुअल में है क्या? इट इज द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट कंटेन C डबल बॉन्ड O एज ए फंक्शनल ग्रुप. जिनमें C डबल बॉन्ड O एज ए फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है वो कार्बोनिल कंपाउंड है. क्लियर है? रिमेनिंग टू वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड विद हाइड्रोजन और एल्काइल ग्रुप. हाइड्रोजन या एल्काइल ग्रुप से सेटिस्फाइड होंगी रिमेनिंग टू वैलेंसीज. और उस बिहा पे कार्बोनिल कंपाउंड के साथ अपन वर्ड यूज करते हैं एल्डिहाइड और या फिर अपन यूज करते हैं कीटोन. ठीक है? तो जो एल्डिहाइड और कीटोन है उन एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन कर सकते हैं या उन एल्डिहाइड और कीटोन को ग्रिगनार रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं. तो रिडक्शन करेंगे तो रिडक्शन से क्या बनता है? 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल बनते हैं. और जीआर से क्या बनते हैं? 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल बनते हैं. कैसे बनते हैं वो देखें. रिएक्शन तो काफी सिंपल है. यदि मैं एक स्टेप में इस रिएक्शन को बताना चाहूं, सी डबल बॉन्ड हो कोई भी पर्टिकुलर एल्डिहाइड होगा, हम निकल के साथ इसको हीटिंग कर रहे हैं, प्लस एस टू होगा, ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ब्रेक डाउन चैन, एक एडिशन रिएक्शन यहां पे कंप्लीट होगी और ये बनना क्या है? सी एच एंड ओ एच एल्कोहल बन गया इसमें. ठीक है? कौन सा एल्कोहल होगा वो डिपेंड करेगा इस पर्टिकुलर कार्बोनिल कंपाउंड के नेचर पे. सपोज जैसे ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के केस में क्या होगा? एच सी डबल ओ एच. ये एल्डिहाइड सीरीज का पहला मेंबर है, सिंपल मेंबर है, फर्स्ट मेंबर है एल्डिहाइड सीरीज का फॉर्मेल्डिहाइड. ये इसके लिए क्या यूज करेंगे अपन? मिथेनल यूज करेंगे. इसके साथ क्या बनना है? रिएक्शन आप देख रहे हो वो निकल के साथ क्या बनना है? ये CH3 होना है, ये बॉन्ड टूटना है और ये बनना है CH3OH. कोई दिक्कत? एल्डिहाइड सीरीज का नेक्स्ट जो मेंबर है वो क्या हमारे पास? CH3COOH. क्या पढ़ेंगे इसको आप? फॉर्मेल्डिहाइड की जगह हो गया एसिटेल्डिहाइड. और मिथेनल की जगह क्या पढ़ेंगे इसको आप? इथेनल पढ़ेंगे. इसमें क्या बनना है वो रिडक्शन करेंगे CH3CH2OH. उससे आगे बढ़े आप, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा दें. यानी एल्डिहाइड के केस में क्या होता है? एक वैलेंसीज, वन वैलेंसीज ऑफ कार्बोनिल कार्बन, एटलीस्ट वन वैलेंसीज ऑफ कार्बोनिल कार्बन सेटिस्फाइड विद हाइड्रोजन. तो ये हाइड्रोजन, ये क्या हुआ? इसके कॉमन नेमिंग नहीं है. जैसे फॉर्मेल्डिहाइड पढ़ेंगे आप नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल से. अभी आपको हो सकता है कि नया लग रहा हो, गुस्सा आ रहा हो. तो एल्डिहाइड के जो फर्स्ट दो मेंबर उनको फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटेल्डिहाइड बोल रहे हैं अपन. उनके आईपीसी नेमिंग में क्या है? एल्केनल, मिथेनल, इथेनल, प्रोपेनल. तो ये क्या होगा? नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो ये प्रोपेनल पढ़ा गया. और एल्कोहल कौन सा बना इसमें? बॉन्डिंग नहीं होनी है तो ये CH3CH2OH होना है. ठीक है? ये तो बना सबके सब प्राइमरी एल्कोहल. यानी जितने भी एल्डिहाइड आप यहां पे रखोगे वो सबके सब एल्डिहाइड क्या देंगे? प्राइमरी एल्कोहल देंगे. अब आप यहां पे कीटोन ले आते हो तो कीटोन की क्या क्वालिटी थी? कीटोन में बोथ द वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड विद एल्काइल ग्रुप.
दोनों तरफ क्या होगा, एल्काइल ग्रुप होगा CH3CH3। ये कीटोन सीरीज का पहला मेंबर है जिसका पॉपुलर नेम है एसीटोन, और आईपीसी नेम इसका क्या है, प्रोपेनोन है, एसीटोन या प्रोपेनोन। इस एसीटोन या प्रोपेनोन का जब रिडक्शन आप करोगे, वही कंडीशन आप सिंटेक्स देख रहे हो ना, आप सिंटेक्स क्लियर हो तो ये भी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बनेगा इसमें, ये बॉन्डिंग टूटनी है, CH3 देन CH एंड CH3OH सेकेंडरी एल्कोहल बन गया। कीटोन में नंबर ऑफ कार्बन और बढ़ा दीजिए CH3CH2, तो एल्कोहल में भी नंबर ऑफ कार्बन बढ़ जाएंगे, बट बाय नेचर ये क्या होगा, सेकेंडरी होगा। तो जितने भी प्राइमरी एल्कोहल जितने भी एल्डिहाइड होंगे उन सबके रिडक्शन से क्या बनेगा, प्राइमरी एल्कोहल, और जितने भी कीटोन होंगे उन सबके रिडक्शन से क्या बनेगा, सेकेंडरी एल्कोहल बनता है। ये तो पहला मेथड हो गया, कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन किया आपने, पांच मेथड हो गई बेटा, पहला एल्किल हैलाइड, दो ये होगी, दो ये होगी। अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारा रिडक्शन के बाद उसको ग्रिनार रिएजेंट के साथ रिएक्शन करनी है। तो एल्डिहाइड या कीटोन की ग्रिनार रिएजेंट के साथ जब आप रिएक्शन करवाते हो, तो अभी मैंने क्या लिखा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों टाइप के बनेंगे। सिंटेक्स तो सिंपल है बेटा, सी डबल बॉन्ड हो, ग्रिनार रिएजेंट RMgX के साथ रिएक्ट करवाओगे आप। आपके सिलेबस में ग्रिनार रिएजेंट की ये रिएक्शन फर्स्ट टाइम आ रही है, और ये आपको जब पढ़ लोगे पूरा सिलेबस तो आपको लगेगा कि ग्रिनार रिएजेंट की जो रिएक्शन है वो हमेशा कहां पे कंप्लीट होनी है, वो हमेशा कंप्लीट होनी है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पे, लगभग हमेशा जो भी आपके सिलेबस में। तो यहां आप देख रहे हो ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड टूटेगा, और ये बॉन्डिंग टूटने से क्या हुआ है, CO दो बॉन्ड फ्री हुए हैं यहां पे, एक ऑक्सीजन और एक कार्बन, यहां से भी बॉन्डिंग टूटेगी ग्रिनार रिएजेंट से भी, RMgX एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड ग्रिनार रिएजेंट है, एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ऑर्गेनो मींस कार्बन, मेटेलिक मैग्नीशियम, मेटल डायरेक्टली कार्बन से बॉन्डेड है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। यह बॉन्डिंग टूटेगी तो ध्यान रखना जो कार्बन मींस R हमेशा R के साथ ही बॉन्डिंग करता है, कार्बन के साथ, कार्बन हमेशा कार्बन पे बॉन्डिंग करता है, और MgX ये हो ही गया। तो एक तो लाइन मैंने ये बोली कि कार्बन हमेशा कार्बन पे बॉन्डिंग करता है, एक बॉन्डिंग और सुनिए आप, जैसे ही आप इसमें एडिशन दिखाना चाहोगे तो पोलरिटी डेवलप होगी, उस पोलरिटी से ऑक्सीजन पे आए नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आए पॉजिटिव चार्ज, और इस बॉन्ड क्लीवेज से क्या होगा, R पे क्या रहेगा, R पे रहेगा नेगेटिव, और मेटल पे तो कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकता ना, तो इस मेटल पे आएगा पॉजिटिव। तो आप पोलरिटी के हिसाब से भी कह सकते हो R माइनस एल्किल ग्रुप किस पे जुड़ेगा, पोलरिटी के हिसाब से माइनस वाला इस पे जोड़ोगे, प्लस वाला इस पे जोड़ोगे, और एक अभी मैंने एक सीधी सीधी लाइन बोल दी कि कार्बन हमेशा कार्बन पे जुड़ना है, ये एक एडिशनल प्रोडक्ट बन जाता है, एल्डिहाइड की ग्रिनार रिएजेंट के साथ रिएक्शन से एक एडिशनल प्रोडक्ट बनेगा। इस एडिशनल प्रोडक्ट को आप हाइड्रोलाइज करना, हमेशा यही रिएक्शन होनी है कि ग्रिनार रिएजेंट की जो भी रिएक्शन होनी है उसमें हमेशा यही होना है, क्या होना है कि पहले डबल बॉन्ड पे या ट्रिपल बॉन्ड पे एडिशन रिएक्शन होगी, और उसके बाद फाइनली उसका हाइड्रोलाइज करके आप ये प्रोडक्ट बनाओगे। तो क्या होना है यहां पे, ये Mg इस OH के साथ रिलीज हो गए, किस फॉर्म में, MgOHX रिलीज हो गया, X का मतलब Br या Cl, और R का मीनिंग होता है मेथिल एथिल प्रोपिल, जो भी आप कार्बन एडजस्ट करना चाहो, तो आपके पास फाइनली क्या बना, R, और ये बन गया OH। ये कौन से होंगे बाय नेचर, ये 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपने क्या लिया है। सपोज आपने फॉर्मेल्डिहाइड लिया है, या आपने एसिटाल्डिहाइड लिया है, या आपने प्रोपेनॉल लिया है, ये तो हो गया एल्डिहाइड की केस की बातें बेटा, प्रोपेनॉल, ठीक, क्या बनाया आपने यहां पे ग्रिनार रिएजेंट से, बॉन्डिंग कहां होनी है बेटा, डबल बॉन्ड पे, क्या बनना है पहले केस में, CH2OMgX और R हो गया, कैसे, ये CH2 है, RMgX आपके पास था ही, बॉन्डिंग टूटनी है, R किस पे जुड़ा, कार्बन पे, तो मैंने कर दिया ना RCH2, और MgX किसके ऊपर जोड़ दिया, O पे जोड़ दिया OMgX, इससे आगे वाले में CH3 देन CH OMgX और R यहां जुड़ गया, उससे नेक्स्ट वाले में CH3 CH2 CH OMgX और R यहां जुड़ गया, कॉमन है, ऊपर वाले तो है, गुस्सा थोड़ी आ रहा है किसी को, स्पीड थोड़ी ठीक है, कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूं तेज, बताइए इसमें आगे क्या होना है, इसमें हाइड्रोलाइसिस होना है, हाइड्रोलाइसिस से क्या बनना है,
MgOHX, MgOHX और MgOHX रिलीज हो गया, पीछे क्या रह गया? RCH2OH प्राइमरी एल्कोहल है। सेकंड केस में देखिए आप, CH3 देन CHR और OH, ये सेकेंडरी एल्कोहल है। क्यों? OH एक ऐसे कार्बन पे है जो दो अदर कार्बन से अटैच है, ये कार्बन सेकेंडरी है, पता होगा, इतना नॉर्मल बात है। और उससे नेक्स्ट वाले में क्या है, CH3, CH2, CH, OH और R, ये भी सेकेंडरी है। तो ये तो मैंने बोला, अब कैसे बनेगा? यदि आपने यहां पे फॉर्मेल्डिहाइड रखा, रिजल्ट कॉन्क्लूजन क्या रहा है, फॉर्मेल्डिहाइड रखा तो 1 डिग्री देगा, और उसके अलावा अदर जो एल्डिहाइड है, अदर एल्डिहाइड क्या देंगे, सेकेंडरी दे रहे हैं। और ऊपर वाले केस में क्या था, एल्डिहाइड जितने भी थे वो 1 डिग्री देने थे रिडक्शन से, कीटोन जितने भी थे रिडक्शन से 2 डिग्री देने थे, और इस केस में फॉर्मेल्डिहाइड अदर एल्डिहाइड हो रहा है। अब बच गया टर्सरी, टर्सरी कैसे बनाओगे, या कीटोन कर दीजिए, कीटोन में क्या होगा, ये भी CH3, ये भी CH3, तो यहां क्या बनेगा, ये भी CH3 और ये भी CH3, तो यहां प्रोडक्ट क्या आएगा, CH3 और CH3, कौन सा हो गया, ये टर्सरी एल्कोहल नहीं हो गया। सिंटेक्स यदि आपको समझ में आया, ये सिंटेक्स ही है, तो आप कोई भी सुटेबल, कोई भी पर्टिकुलर एल्डिहाइड या कीटोन दे, आप इजीली इस पर्टिकुलर रिएक्शन को कर पाओगे। ये एल्कोहल की कॉमन मेथड ऑफ प्रिपरेशन थी। होने को एक एस्टर का रिडक्शन भी है, सिंपल आप रिडक्शन एस्टर का भी कर सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड का भी कर सकते हो, कोई बड़ी रिएक्शन नहीं है वो, कुछ खास भी नहीं है वो, क्या रिडक्शन ऑफ एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। लेकिन उससे पहले एक मेथड और करेंगे अपन, वो रिएक्शन क्या है, वो है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में क्या है, यह इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन या कमर्शियल प्रोडक्शन है, बोले तो लार्ज स्केल पे इथेनॉल बनाने का प्रोसीजर, C2H5OH को लार्ज स्केल पे बनाना है। इथेनॉल को लार्ज स्केल पे क्यों बनाया जाता है, क्योंकि आपको इथेनॉल के बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, और आपको एक लाइन और एक चीज और पता होगी आपको, कि इथेनॉल वाइडली यूज किया जाता है ड्रिंकिंग पर्पज के लिए, तो वाइडली यूज किया जा रहा है इसको ड्रिंकिंग पर्पज के लिए। तो अभी जो हमने देखे हैं वो सबके सब क्या है, लैब मेथड्स हैं, लेबोरेटरी मेथड्स हैं, जिसमें कम अमाउंट में बनेगा। तो इसको एक्सेस में बनाने के लिए, लार्ज स्केल पे बनाने के लिए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए हम क्या करते हैं, फर्मेंटेशन का यूज करते हैं। फर्मेंटेशन एक कॉमन प्रोसेस होता है जिसमें ऐसे कंपाउंड जिनमें ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनको ईस्ट सेल की प्रेजेंस में क्या किया जाता है, डिकम्पोज किया जाएगा, एक तरह से अनएरोबिक रेस्पिरेशन जैसा प्रोसेस होगा। उसके लिए हमें किसका यूज करना है, गन्ने के रस से शुगर के क्रिस्टलाइजेशन के बाद, चीनी बनाने के बाद जो वेस्टेज बच जाता है वो मोलेसेज कहलाता है, और उस मोलेसेज में एक्चुअल में अभी भी क्या सुक्रोज पार्टिकल है, C12H22O11, ये सुक्रोज मॉलिक्यूल है, कहां था, मोलेसेज में, या यूं कहूं कोई भी फूड आइटम में रहता है ये। उसको वाटर से डाइल्यूट करके हम क्या करते हैं, उसमें इन्वर्टेज एंजाइम, या यूं कहें ईस्ट सेल डालते हैं, ईस्ट में इन्वर्टेज होगा, वो ईस्ट या इन्वर्टेज क्या करेगा, उस सुक्रोज को डिकम्पोज करता है किसमें, C6H12O6 एंड C6H12O6, एक मोल ग्लूकोज का प्रोवाइड करवाता है वो, और एक मोल फ्रक्टोज का प्रोवाइड करवाता है। अब आपको दिख रहा है कि सर ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, हाँ सेम है। अब यहां पे आगे अपने एक हेडिंग आएगी बायोमोलिक्यूल, उसमें अपन ग्लूकोज और फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे। ये चीज आपने पढ़ी होगी, बहुत सारे कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, डिफरेंट होती है, इसलिए प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी, तो वो आते हैं अपने को आगे मिलेंगे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अभी आप ये मान के चलो कि ये दोनों क्या है, डिफर है, दिख आप बायोमोलिक्यूल में इसको डिटेल से पढ़ लोगे, लेकिन अभी मानो दोनों डिफरेंट है, किस भी यहां पे स्ट्रक्चर के भी यहां पे, स्ट्रक्चरली जब देखोगे तो ये एल्डिहाइड होगा, और स्ट्रक्चरली जब देखोगे तो ये कीटोन होगा। आगे बायोमोलिक्यूल में डिटेल से पढ़ना स्ट्रक्चर के साथ, अभी इतना ध्यान रखो। अब क्या है, ये जो ग्लूकोज है C6H12O6, ये ग्लूकोज ईस्ट में एक एंजाइम और होता है, दैट इज जाइमेज। ये ईस्ट का जो जाइमेज होता है वो इस C6H12O6 मींस ग्लूकोज या फ्रक्टोज जो भी रहा होगा उससे क्या बनाता है, इथेनॉल बना देता है, और साथ में CO2 मॉलिक्यूल,
ये एक तरीका क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और साथ में CO2 भी निकल रही है, तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा ना वो ऐसे दिखता है बॉइल हो रहा हो, हीटिंग हो गई क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, CO2 बबल हो रही है उसमें से, सरफेस में से CO2 निकलती हुई दिखती है, तो सॉल्यूशन की जो प्रेजेंस है वो ऐसे होता है कि वो सॉल्यूशन बॉइल हो रहा है और ये फर्मेंटेशन वर्ड उसी से निकला, फर्मेंटेशन वर्ड बॉइलिंग जैसा सा प्रोसेस, उबलता हुआ जो दिखता है, तो ये उबलने का कारण क्या है, गर्म क्यों कर रहा है, हीटिंग कर रहा है। ये जो इथेनॉल बनेगा यहाँ पे ये लार्ज स्केल पे बनेगा क्योंकि ये वेस्टेज था, मोलेसेस फेंकना था, उसी का यूज करके इथेनॉल को बनाया जाता है। ये इथेनॉल का लार्ज स्केल पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हमसे पूछा जाता है, इथेनॉल का, ठीक है, क्यों पूछा। इसके बाद मेन जो रिएक्शन है वो पांच ही है, वैसे एडिंग आप तीन देख रहे हो लेकिन पांच हो गई, कौन ध्यान, आप इसको रिपीट कर लीजिएगा, कोई डाउट हो प्लीज पूछेगा। और स्पेशली मेरा आपको सजेशन ये है कि जो मैंने सेकंड हेडिंग आपको बताई थी फ्रॉम एल्किन, उसमें हाइड्रेशन और हाइड्रोबोरेशन और एक एक अल्टरनेटिव मेथड भी मैंने आपको दिया था, उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। ओके गाइज, कल मिलते हैं, नेक्स्ट, बाय।